नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है कि चार पाइप किसी जलाशय को क्रमशः 15, 20, 30 और 60 घंटों में भर सकते हैं। पहले पाइप को 6 AM, दूसरे पाइप को 7 AM, तीसरे पाइप को 8 AM और चौथे पाइप को 9 AM पर खोला गया। जलाशय कब भरेगा? यानी चार पाइप हैं, उनको 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला जाता है। तो हमें बताना है कि जो जलाशय है वह कब भरेगा, यानी कितने बजे वह जलाशय भरेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा जलाशय है वह 6 बजे के बाद, ये हमने मान लिया कि 6 AM के बाद एक्स घंटे में भरेगा, ये हमें मान के चलना है। ये हमने मान लिया कि जो हमारा जलाशय है 6 AM, यानी सबसे पहले नल कब शुरू हो रहे थे, पाइप 6 AM पे शुरू हो रहे थे, तो 6 AM के बाद एक्स घंटे में हमारा जलाशय भर जाएगा। अब सबसे पहला पाइप है जिसको कि 15 घंटे लग रहे हैं, 6 AM पर ही खोला गया, यानी इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, एक्स घंटे, और समय कितना ले रहा है, 15 घंटे। फिर दूसरा पाइप 20 घंटे का समय ले रहा है लेकिन 7 AM पर खोला गया, यानी कि इस घंटे में से एक घंटा कम, तो एक यहाँ घटा देंगे, बटे में कर देंगे 20। और जो तीसरा पाइप है जो कि 30 घंटे का समय ले रहा था, ये खुला 8 बजे, तो यहाँ 2 घंटे बाद इसको खोला, तो समय में से हमने 2 घंटे माइनस करके यहाँ लिख दिया 30। और जो चौथा पाइप है जो कि 60 घंटे का समय लेता है और 9 बजे खोला गया, यानी 3 घंटे बाद इसको खोला गया, बटे में लिख देंगे 60। और जब चारों मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा, वो काम कितना होता है, काम होता है 1। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। तो इन चारों का हम लेंगे LCM। जब चारों का LCM लिया तो 60 आ गया LCM। 15 से डिवाइड करेंगे, 60 को 4 बार जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो 4x। 20 से डिवाइड करेंगे, 20 60, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x-3 प्लस 30 से डिवाइड करेंगे, 30 दूना 60, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 2x-2 दूना 4, 60 से करेंगे तो एक ही बार जाएगा तो यहाँ x-3 रहेगा, बराबर में 1 रहेगा। ठीक है, अब x वाले जोड़ देंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ पर कितने हैं 10x माइनस 3 और 4 3 7 और 3 10, 10 यहाँ पर हैं, और 60 चला जाएगा सामने, तो ये 60 हो गया। अब 10x बराबर ये माइनस का 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो 60 में 10 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 घंटे। ठीक है, यानी कि वह जलाशय है यह 7 घंटे में भर जाएगा, लेकिन उसने पूछा है कब भरेगा। अब 6 AM के बाद एक्स घंटे का समय लग रहा था, तो 6 AM में हम 7 घंटे जब जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 PM पर है भरेगी। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा कि जो वह जलाशय है 1 बजे भर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।